युग से है अपने पद पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय, रहता अडिग अपने प्रण पर, रहता हमेशा अडिग हिमालय, जो जो भी बाधाएं आईं, उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसीलिए आज यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारा उत्तराखंड राज्य इस महानतम पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ है। हिमालय हम सभी की आन बान शान व पहचान है, परंतु आज हिमालय के सामने कुछ ज्वलंत मुद्दे खड़े हो गए हैं, जैसे आजीविका का अभाव, पलायन तथा आपदा। इन संवेदनशील मुद्दों पर विचार विमर्श एवं मंथन हेतु हमने इस हिमालय दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस शुभ अवसर पर हमारे साथ हैं हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी, माननीय मंत्री लघु सिंचाई वर्षा जल संरक्षण, जलागम प्रबंधन, पर्यटन, धर्मस्व, धार्मिक मेले व संस्कृति। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे बीच हैं हमारे माननीय विधायक श्री सुरेश राठौड़ जी, माननीय विधायक ज्वालापुर। आपका भी जिला प्रशासन की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पे आसीन सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री दीपक रावत जी, जिनके निर्देशन में यह संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रबुद्ध वक्तागण भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आज के अवसर पर ये संगोष्ठी, जो कि महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील बिंदुओं पर है, उससे हम सबका तथा हमारे राज्य का अवश्य लाभ होगा। इसके साथ मैं पुनः आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में अब हमारे जो वक्ता हैं, शांति कुंज के आपदा के प्रभारी श्री राकेश जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। कभी भी कोई भी हमारे प्रदेश में जब आपदा होती है तो शांति कुंज अग्रणी भूमिका निभाता है, उसी से संबंधित हमारे श्री राकेश जी। आज हिमालय दिवस के अवसर पर आपदा, पलायन और आजीविका के विशेष मुद्दे, जिसे हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तिथियों में। इस दिशा में गायत्री परिवार भी पिछले 20 वर्षों से विशेष रूप से कार्य कर रहा है। आपदा के बारे में अभी भी बहुत सारा भ्रम है। आपदा में और घटना में अंतर होता है। प्राकृतिक घटनाएं आती रहती हैं और चली जाती हैं। इस समय भी प्रतिदिन करीब 1000 भूकंप इस धरती पर आते हैं, लेकिन वो सारे भूकंप आपदा नहीं होते। आपदा किसे कहते हैं? आपदा कहते हैं वह भयावह परिस्थिति जिसके कारण मनुष्य के द्वारा किए हुए पुरुषार्थ निरर्थक हो जाएं और जिससे बहुत ही बड़े स्तर पर जान और माल की हानि हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इन प्राकृतिक घटनाओं को रोक सकते हैं? नहीं, इन प्राकृतिक घटनाओं को तो नहीं रोक सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, इन प्राकृतिक घटनाओं की जो संवेदनशीलता है उसका न्यूनीकरण कर सकते हैं, उसके प्रभाव को हम कर सकते हैं। इसीलिए आपदा को समझने के लिए साथ साथ आपदा प्रबंधन भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपदा से पूर्व की स्थिति और आपदा के दौरान की स्थिति और आपदा के उपरांत की स्थिति पर हमको तैयारी करनी पड़ेगी। यदि हम 10 रुपये आपदा से पूर्व खर्च कर देते हैं तो आंकड़े ये कहते हैं कि आपदा के बाद के 10 लाख रुपए को बचाया जा सकता है। हमारे यहाँ परंपरागत तरीकों में हम लोग आपदा के दौरान और आपदा के बाद ही काम करते हैं। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ गायत्री परिवार ने एक सहयोग का काम शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार और जो आपदा सचिव हैं श्री नेगी जी, उन लोगों ने एक ऐसा प्लान किया है गायत्री परिवार के साथ कि हम पूरे उत्तराखंड के 350 गाँव का सर्वे करेंगे और उसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपदा की परिस्थिति क्या है और उसके आधार पर हम पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। आपदा के बारे में बहुत सारी ये भी मान्यता है कि आपदा प्राकृतिक होती है और आपदा मनोजनित होती है। आपदा के
को कैटेगराइज करने के लिए आपदा के बारे में ये भी कहा जाता है कि तेजी से आने वाली आपदा, मध्यम गति की आपदाएं और धीरे धीरे एकदम आने वाली आपदाएं। इस चीज़ों पर शोध करके गायत्री परिवार ने भी आपदा के बारे में एक परिभाषा दी है, उसे कैटेगराइज किया है कि आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। एक वो आपदाएं होती हैं जो कभी कभी आती हैं, अस्थाई आपदाएं जिसमें बाढ़, भूकंप, दंगा, बम विस्फोट आदि सब आ जाता है, और दूसरी वो आपदाएं हैं जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भी उस आपदा से प्रभावित हैं, आप घर में हैं तो भी आप उससे प्रभावित हैं, आप रोड पर हैं तो भी आप उससे प्रभावित हैं, और उस आपदाओं को हम लोगों ने अस्थाई आपदा की श्रेणी में रखा है। अगर हम उस अस्थाई आपदा के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि हम इन आपदाओं का न्यूनीकरण करने में सक्षम हो जाएंगे। वो अस्थाई आपदाएं क्या हैं? वो अस्थाई आपदा है गंदगी। पूरे देश में यदि आप गंदगी को देखें और उसके द्वारा जो भयावह परिस्थिति जो पैदा हुई है उसको यदि देखें तो निश्चित रूप से आप उसे आपदा कहेंगे। गायत्री परिवार ने इसको अस्थाई आपदा की श्रेणी में रखा है। अभी पिछले 6 महीने पहले अमेरिका में व्हाइट हाउस में एक पर्यावरणविद ने एक लेक्चर दिया और उसने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कुछ आंकड़े दिए, और उन्होंने ये बताया कि नागासाकी हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा था उससे जितनी गर्मी पैदा हुई है इस समय उससे 40,000 गुना गर्मी प्रतिदिन टेम्परेचर इस धरती का बढ़ रहा है। इतनी भयावह स्थिति। उसमें अंत में उन्होंने कंक्लूजन में कहा था कि यदि अभी से इसकी तैयारी करें नहीं तो कब तक हम लोग इस धरती पर जीवित रह पाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अस्थाई आपदा में यह पर्यावरण का प्रदूषण भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, और बेरोजगारी भी है, नारी की अशिक्षा भी है, और स्वास्थ्य का संकट है, व्यसन मुक्ति का संकट है। इस देश की 70% आबादी कहाँ रहती है? वो गाँव में रहती है। 30% आबादी लगभग शहर में रहती है। यदि हम देखेंगे ये अस्थाई आपदा का जो केंद्र है वो कहाँ पर है तो वो केंद्र दिखाई पड़ता है गांव में। जैसे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पर है? गांव में। सबसे ज़्यादा व्यसन कहाँ पर है? गांव में। सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ पर है? वो गांव में है। सबसे ज़्यादा नारी की अशिक्षा कहाँ पर है? वो गांव में। तो ये जो अस्थाई आपदा का जो केंद्र गाँव है, यदि आप कल्पना करें यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर का 70% हिस्सा रोगग्रस्त हो, बीमार हो, तो क्या आप उस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं? यदि इस देश की 70% आबादी यदि अस्थाई आपदा से ग्रस्त है तो क्या हम ये कभी उम्मीद कर सकते हैं कि ये देश फिर से कभी जगतगुरु बनेगा? ये देश कब से कभी फिर से क्या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। शांति कुंज में अस्थाई आपदा के लिए एक प्रशिक्षण की व्यवस्था, हम लोग हर महीने 1 से 5 तारीख में आपदा प्रबंधन का निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं जिसमें पूरे देश के लोग आते हैं, उत्तराखंड के लोग भी आते हैं। अस्थाई आपदा के लिए हमारे यहाँ स्वावलंबन का और स्वच्छता के संबंध में अलग से विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है जो कि निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम लोग आपदा के बारे में बात करें लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी, हमारी युद्धक शैली में काम को हमको बढ़ाने की विशेष रूप से आवश्यकता है, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। आपदा को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हमारी जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। धन्यवाद। इसी क्रम में जिन्होंने देश विदेश में अपने सब्जेक्ट में नाम रोशन किया, हमारे जनपद हरिद्वार का रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर बीडी जोशी साहब को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। उत्तराखंड जनपद के 13 जनपदों के लोगों की भावना के प्रतिकूल आज ही के दिन इस राज्य की स्थापना हुई, और हिमालय दिवस के रूप में जब हम मना रहे हैं, और बहुत अपेक्षाएं हमारी रहीं कि नया राज्य बनेगा तो हमारी जो आज तक की कई समस्याएं हैं जिनके लिए हमें सुदूर पर्वतीय जिलों से लखनऊ या दिल्ली जब दौड़ के जाना पड़ता है उसमें कमी आएगी, निश्चय ही कमी आएगी। सोचा गया कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बहुत समीप होंगे, हमें तुरंत अपनी जन समस्याओं के लिए या अथवा व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए
उनका सानिध्य प्राप्त होगा वो भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद एक कट सच्चाई ये सामने आई है कि लगता है कि हमारे इस छोटे से नवीन राज्य की जनसंख्या शायद बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई नजर आ रही है। सिर्फ नजर ही नहीं आ रही है, वास्तव में बेरोजगारी है। क्या एक छोटा राज्य होने से जहां इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए था, ये समस्याएं बढ़ने का कारण छोटा राज्य तो नहीं है? उत्तराखंड में कुछ आंकड़ों के आधार पर मैं बात करूंगा। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े हैं, 1,90,000। इसके बाद नैनीताल आता है, 90,000। हरिद्वार में 82,000। ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड आंकड़ों तक तो अभी हमारी पहुंच ही नहीं। और सबसे कम निश्चय ये छोटा जिला, नया जिला है चंपावत, यहां 25,000 लोग। 2 साल पहले बड़ी चर्चा हुई अध्यापकों के लिए, सेकेंडरी लेवल के अध्यापकों के लिए पद विज्ञापित हुए लगभग 3,000, इंटरमीडिएट लेक्चरर्स के लिए 1.5 लाख एप्लीकेशन आई। कि हालांकि 9 लाख लोगों के लिए कोई भी राज्य एकदम से रोजगार अपने अंदर नहीं दे सकता, लेकिन जितने खाली और रिक्त स्थान और जितने नव सृजित स्थान होते हैं, कम से कम उन पर तो हम नई नियुक्तियां शीघ्रातिशीघ्र कर सकते हैं। अगर इस बात को भी हम देखें तो मैं सारे आंकड़े देख रहा था, लगभग 32,000 पद एक छोटे सहायक से लेकर के, प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक हमारे पास इतने पद खाली हैं। और अगर इन पदों पर हम नियुक्ति समय पर कर देते हैं तो निश्चय इतने परिवारों का भला होगा। उत्तराखंड में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा टूरिस्ट आता है और उनका जो रेशियो है वो स्थान के हिसाब से 100 के मुकाबले 300, यानी कि 1:3 के रेशियो में उत्तराखंड में हमारे पास टूरिस्ट आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे जो गांव, जिन्हें हम लोगों ने भुता गांव कहना शुरू कर दिया है, लिटरेचर में एक चीज लाई जा रही है वो है घोस्ट विलेजेस। अभी कहा गया था कि एक बालिका ने कहा कि लगभग 3,500 गांव पूरे पलायन से समाप्त हो चुके हैं। भारत सरकार का नीति आयोग का आंकड़ा कहता है लगभग 1,200 गांव। कुछ भी हो, ये पलायन क्यों हो रहा है इसके बारे में पहले कहा जा चुका है। प्रश्न ये उठता है कि हम रोजगार कैसे पैदा करें। रोजगार पैदा करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, एक जो बहुत बड़ा स्रोत है हमारे पास जहां से मानव सभ्यता शुरू हुई थी, वो थे हमारे वन जंगल और खेती। हमें इसके मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है, हमें अपनी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को बहुत बचाना है और उसे और ज्यादा समाजोपयोगी बनाना है। अभी ये कहा गया कि हमारा राज्य हर्बल मेडिसिन का भंडार है। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ सूचित करना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों से, उन अधिकारियों से हमारा विचार विमर्श होता रहता है, हम जब हमारा ये राज्य बना था तो 2 बातें कही गई थी। एक, ये हाइड्रो पावर का केंद्र बनेगा, बहुत ज्यादा हम जल संसाधनों से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, और दूसरा हमारे पास हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन का भंडार है। जल संसाधनों के बारे में जो समय समय पर गतिरोध उत्पन्न होता है उससे आप सबको परिचित है, हालांकि वो अपने आप में एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। ऐसे ही मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जड़ी बूटियों का इतनी तेजी से दोहन हो रहा है, विश्वास करिए अगले 10 साल में जो कुछ हमने 2000 में विरासत में पाया था जड़ी बूटियों का संग्रह,
उसका शायद 20% भी हमारे पास आज से 10 साल बाद नहीं रहे। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू आपको दे रहा है। जब टीरी रेम बन रहा था 1982 के आसपास, मैंने एक लेख में भी लिखा था कि ठीक है, विरोध के बावजूद जब बन गया तो ये अपने आप में रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, क्योंकि मैं टीचिंग से संबंधित हूँ और उसमें पर्यावरण और तमाम चीज़ें आती हैं, कि हम क्यों नहीं टिहरी डैम जैसे कई डैम्स को एक सुंदर पर्यटन स्थल में, एक मत्स्य उत्पादन केंद्र में और एक जैविक संसाधन की ट्रेजरी रिपोजिटरी के रूप में अभी तक विकसित कर पाए। क्यों नहीं हमारा उस ओर ध्यान जा रहा है कि हम इस ओर ध्यान दें। एक आप सिर्फ टिहरी डैम का ले लीजिए, मेरा ख्याल है आज अगर हम एकदम से अपने टूरिज्म और मत्स्य पालन को वहाँ पे तुरंत लागू कर दें, इसमें समय लगेगा, साल भर, 6 महीना 2 साल लगेगा, लेकिन आने वाली उस पीढ़ी के जिसके युवा पैदा हो गए और जो आने वाले 2-4 साल में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार के नए अवसर अवश्य देगा। यहाँ की 2-3 मुख्य चीज़ें हैं, एक तो हमारा पर्यावरण इकोसिस्टम जिसका एक्सप्लॉयटेशन, टूरिज्म, और टूरिज्म में हमारे पास कई प्रकार के टूरिज्म हैं, इको टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, ट्रैकिंग है, रिलीजियस टूरिज्म है। अभी हम अखबारों में देख रहे थे माननीय मंत्री जी के मंत्रालय ने 12 उत्तराखंड के लगभग 24 देवी स्थलों का एक प्रोग्राम बनाया है हेरिटेज टेंपल साइट्स के टूर के लिए। तो टूरिज्म की हमें बहुत, सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे इसमें विकास है तो इसमें टूरिज्म, मेडिसिनल प्लांट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवरन इकोसिस्टम एंड हाइड्रो पावर इकोसिस्टम। 16,000 गांव में 45,000 एनजीओज काम कर रहे हैं। तो ये एनजीओज अपने आप में कुछ न कुछ तो करते हैं, हालांकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक तरीका भी है, लेकिन ये जहां जहां है अपने अपने क्षेत्र में कुछ तो कार्य कर रहे हैं। इनके ऊपर भी मैं समझता हूं कि बहुत उत्तरदायित्व है कि एक सामाजिक गठबंधन को बहुत दृढ़ सूत्र में आपस में लाएं और समाज और सरकार के बीच में व्यक्तिगत जो प्रतिभाएं हैं उनको सामने ला करके एक एम्प्लॉयमेंट का, नव एम्प्लॉयमेंट का सृजन किया जा सकता है। आप सबको पुनः इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। इसी क्रम में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हैसियत जो देश विदेश में हमारे प्रदेश का नाम रोशन करा है, आचार्य श्री बालकृष्ण जी, जोरदार तालियों से जो मुख वक्ता है हमारे आज के, आचार्य श्री बालकृष्ण जी, जिनके लिए समय लेने के लिए लोग तरसते हैं और उनको हम अपना अधिकार समझ के मुख वक्ता के रूप में, आचार्य श्री बालकृष्ण जी। वस्तुतः आज का विषय ये बहुत बड़ा विषय है और इन 3 चीजों को यदि हम समझ लें तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की समस्या का 100% समाधान है। यह कुछ पलों का, कुछ मिनट का नहीं, अपितु यह संपूर्ण समाधान है। इसको दिल में उतारने के लिए मैं समझता हूँ आज का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। हम महसूस करते हैं जिनका संबंध थोड़ा भी पहाड़ों से है, जिन्होंने उन पहाड़ों के घर को उजाड़ता हुआ देखा है, कौन अपने घर को छोड़ना चाहता है? शायद बहुत दिल में पत्थर रख करके ही कोई अपने घर में ताला लगा करके निकलता है। यदि वो पीड़ा कहीं समाधान बन जाए तो पहाड़ कोई छोड़ने वाला नहीं है। हिमालय दिवस की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का भूभाग आज गाय बगाए हमको आंख दिखाता है, ऐसे चाइना से लगा हुआ बड़ा क्षेत्र है। और यदि हमारे हिमालयी क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें रहने वाले लोग हैं, वह सिविलियन होते हुए भी वह हमारे सीमा के सैनिक और प्रहरी की भूमिका भी निभाते हैं। उनके रहने से हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा वो आज जीवित है। आज दुनिया आती है देवी देवताओं के दर्शन के लिए, चारों धाम के तीर्थाटन के लिए, यात्रा के लिए। तो जहाँ यात्रा से उनकी आनंद की अनुभूति होती है, वहीं वहाँ के रहने वाले लोगों से संस्कृति और परंपरा को समझने में भी सहयोग मिलता है। वो हमारे संस्कृति के भी संवाहक हैं जो हिमालय क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं। तो हमको समझने के लिए, आपदा के लिए, उसके समाधान के लिए बेहतर प्रबंधन, सूझ, आपस में सहयोग, इसके द्वारा संभव है आपदा से समाधान। केदारनाथ की आपदा हुई, पूरी दुनिया में उस भीषण
त्रासदी से जो भी भारतवर्ष को, भारतवर्ष की संस्कृति को मानने वाला व्यक्तित्व तो था, वो दहल उठा। आज भी उस पीड़ा के घाव हरे हैं। पतंजलि ने भी नम्र प्रयास किया। पतंजलि सेवाश्रम के रूप में देवप्रयाग के पास बहुत बड़ी संस्था, आपदा में पीड़ित बच्चों को निःशुल्क भोजन, आवास, शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहाड़ की जो दूसरी मुख्य समस्या ही आजीविका है, वस्तुतः पलायन समस्या नहीं है। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, पलायन समस्या नहीं है, पलायन परिणाम है। हमको यह समझना होगा, वह परिणाम है, उस परिणाम को रोकना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम आजीविका के संसाधन हम पैदा करें। पहाड़ों में आजीविका हम कैसे पैदा कर सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। इसके लिए जरूरी है कि देखिए, हमको हम समस्याओं को गिनाएं, इससे बेहतर है कि हम समाधान ढूंढें। यदि हम समाधान ढूंढेंगे तो समाधान होगा। समस्याओं को तो हम सबको पता है, हम जब भी पहाड़ों में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं। तो उसके लिए मैं इतना ही समाधान के रूप में, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, दो तीन बिंदु पर मैं बात करूंगा। माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, इनके पास वैसे भी सभी पहाड़ की ही समस्याओं से, पहाड़ से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा हैं। सिंचाई की बात करें तो मैदान में तो फिर भी ठीक ठाक है मंत्री जी, पहाड़ में ही गड़बड़ है। बाढ़ नियंत्रण हरिद्वार में ठीक है, लक्सर वाली क्षेत्र आदि में भी बाढ़ की विभीषिका है। कई बार बहुत सारे गांव परेशान होते हैं, पर यदि मैं पहाड़ की बात करूं तो हर गांव बाढ़ आई तो फिर रास्ते सड़क सब बंद, घर भी बेचारे ढह जाते हैं। और आपकी जो है लघु सिंचाई पहाड़ के लिए चाहिए, वर्षा जल संरक्षण पहाड़ के लिए ज़्यादा चाहिए, इसी तरह से तीर्थाटन है, पर्यटन है, धार्मिक मेले हैं, ये सारे विषय ऐसे हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रांत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेरे आयुर्वेद के विद्यार्थी भी हैं। यह महामना मालवीय जी की पवित्र भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है। भारतवर्ष की जो जैव विविधता है उसकी 70% जैव विविधता उत्तराखंड में उपलब्ध है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम इस जैव विविधता को साधन के रूप में, शक्ति के रूप में यदि प्रयोग करें तो हम पूरी उत्तराखंड की बेरोजगारी नहीं, उत्तराखंड की गरीबी नहीं, अपितु हम पूरे देश की गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए और पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत उत्तराखंड के पास है। हमको इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उनकी जैव विविधता के माननीय जोशी जी कह रहे थे, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए भी हमको प्रयास करना होगा। उसके साथ साथ में पर्यावरण प्रकृति के अनुकूल उत्तराखंड में असीम संभावना है पर्यटन की, तीर्थाटन की। पर्यटन और तीर्थाटन को जोड़ करके जब केरल में पंचकर्मा के नाम पर छोटे छोटे सेंटर खुल सकते हैं, पर्यटन के नाम पर हमारे देश के लोग विदेशों के बहुत सारे एरियाओं में जा सकते हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं आ सकते हैं। आवश्यकता है थोड़े से अनुकूलता देने की, अनुकूल वातावरण बनाने की। इसके लिए भी यदि आप और हम सब मिल जाएं तो बहुत बड़ा कार्य हम उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात है कि पहाड़ों के अंदर अभी ऐसी स्थिति है, खेती पैदा नहीं होती है, जंगली जानवर हैं, पथरीली जमीन है, वहां पर पानी नहीं है, ये समस्याएं हैं। इनका समाधान क्या है, इसके लिए भी हमने एक विनम्र प्रयास किया है। वह प्रयास यह है कि पहाड़ों में हम क्या पैदा कर सकते हैं। इसके लिए यमकेश्वर ब्लॉक में हमने करीबन 5-6 हजार नाली के जमीन के ऊपर हमने एक बड़ा प्रयास किया है, और मुझको कहते हुए ये खुशी है कि उस क्षेत्र में हम काफी सफल हुए हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं उगता है, एक जो जिसको चेरी चीनी बोलते हैं, एक गोल मिर्च होती है जिसका आज बाजार भाव 150 से 200 रुपए किलो है, पहाड़ पर ना जंगली जानवर खाता है, ना पानी चाहिए, ना कुछ चाहिए। मैंने अभी कम से कम 10 लाख रुपए की तो मिर्च उगाई थोड़ी सी जगह पर। तो इस तरह के हमको एक्सपेरिमेंट करने होंगे, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम पहाड़ को आबाद बनाने के लिए, पहाड़ की प्लायन को रोकने के लिए, पहाड़ के लोग जो चले गए, मैं तो बच्चों से पूछता हूँ, जैसे आप लोग हैं, कितने हो जो पहाड़ों से जिनका संबंध है, माता पिताजी पहाड़ में रहे, तुम लोग रेजर हाथ खड़ा करना,
यदि थोड़े से संसाधन मिल जाए तो दोबारा पहाड़ में चढ़ने को तैयार हो। संसाधन हम पैदा करेंगे, अब पहाड़ में जाकर के कुछ करने के लिए आप तैयार हो जाना। इस उत्तराखंड की समृद्धि को हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। हमको स्वयं को काम करना होगा, हमारी समस्याएं हैं तो उनका समाधान हमको ढूंढना होगा। इसके लिए पतंजलि योग कोई प्रयास कर रहा है, शांति कुंज में भी बड़े प्रयास हो रहे हैं, और पूरे उत्तराखंड में कोई छोटे छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में प्रयास कर रहा है, पर उसको समावेत रूप में हमको मिल करके प्रयास करना होगा। तो हम वन पंचायतों के साथ काम कर रहे हैं, अभी हम बैकवर्ड लिंकेज के लिए बात कर रहे हैं, अभी उत्तराखंड सरकार के सहयोग से बहुत सारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जो गाय है वो बद्री नस्ल की गाय है। यदि उस गाय का हम मात्र गोमूत्र इकट्ठा करें, अभी मैंने उसके कई सारे ऐसे कंपाउंड निकाले हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, और आज मेरे को कहते हुए प्रसन्नता है, आज हजारों परिवार मात्र गोमूत्र के माध्यम से वो पहाड़ों से पलायन होने से रुके हुए हैं, वो पूरा पतंजलि योगपीठ ले रहा है। तो ये बहुत सारे समाधान हैं, हमको समाधान को स्थापित करने की आवश्यकता है, व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, उसको हम करेंगे और आप सब लोगों का भी साथ होगा, और हमारा यह उत्तराखंड बहुत सुंदर उत्तराखंड होगा, भव्य उत्तराखंड होगा, दिव्य उत्तराखंड होगा। और इसकी सुंदर शुरुआत के लिए, इस हिमालय दिवस के लिए पुनः मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और इस तरह की आयोजन हो, हमारी सोई हुई अंदर की ऊर्जा जागृत हो, और हम भी पहाड़ के लिए सोचें, हिमालय के लिए सोचें, उत्तराखंड के लिए सोचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।